11 मार्च को एएनआई ने खबर दी कि कनाडा के ग्रेटर टोरंटो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले बिलबोर्ड लगाकर उन्हें कोरोना वैक्सीन के लिए धन्यवाद कहा गया है। देखते ही देखते ये खबर हर एक मीडिया चैनल ने छाप दी। अमर उजाला ने अखबार में कोरोना वैक्सीन मिलने पर कनाडा हुआ भारत का मुरीद इस हेडलाइन के साथ खबर छापी। जी न्यूज ने ऐसे ही एक आर्टिकल में बताया कि कोरोना महामारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर के देशों को वैक्सीन देने का काम किया है, इसको लेकर कनाडा में उनकी जमकर तारीफ हो रही है और ग्रेटर टोरंटो में सड़कों के किनारे बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं जिसमें पीएम मोदी को धन्यवाद किया गया है। सीएनएन न्यूज 18 ने एक ब्रॉडकास्ट के दौरान यह खबर चलाई और कहा कि कनाडा पीएम मोदी को धन्यवाद कह रहा है। इसके अलावा कई चैनल्स ने हेडलाइन में यही कहा कि कनाडा को कोविड 19 वैक्सीन दिए जाने के बाद टोरंटो में पीएम मोदी को धन्यवाद कहते हुए ऐसे पोस्टर्स और बिलबोर्ड्स देखे गए हैं। लेकिन मामला है क्या, ये बिलबोर्ड्स कनाडा सरकार ने लगवाए हैं या इसे किसी समूह ने या किसी शख्स ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में लगवाया है? हालांकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री से बात की और भारत के डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कोविड वैक्सीन बनाने की सराहना की और शुक्रिया अदा किया, लेकिन इन बिलबोर्ड्स का उससे कोई लेना देना नहीं है। कनाडा को भारत से वैक्सीन कैसे और कितनी मिल रही हैं ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि ये बिलबोर्ड्स आखिर किसने लगवाए हैं। एएनआई सहित कई मीडिया आउटलेट्स ने यह जरूर बताया कि कनाडा में पीएम मोदी को कोरोना वैक्सीन के लिए धन्यवाद कहते हुए बिलबोर्ड्स देखे गए हैं। इनमें से अधिकतर रिपोर्ट्स में ये नहीं बताया गया है कि ये होर्डिंग हिंदू फोरम कनाडा नाम के एक संगठन ने लगाए थे। बोर्ड पर इस फोरम का नाम लिखा हुआ देखा भी जा सकता है। अब ये हिंदू फोरम कनाडा है क्या, इसकी वेबसाइट पर ये पता चलता है कि इस संगठन को कनाडा नॉन प्रॉफिट एक्ट के तहत हिंदू फोबिया का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है। इसकी वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि जब मुस्लिम और ईसाई के खिलाफ जुर्म होता है तो दुनिया भर की मीडिया ये खबर दिखाती है, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ क्राइम होता है तो ऐसा देखने को नहीं मिलता, इससे हिंदू फोबिया समझ में आता है। इस वेबसाइट पर केरला में बीजेपी और आरएसएस वर्कर्स की हत्या की खबर सामने नहीं आने की बात भी लिखी गई है। हमने देखा कि इसके फेसबुक पेज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम की प्रशंसा ही की जाती है। इस पेज ने किसानों के लिए काम करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी की है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि इस पेज ने 5 फरवरी को सुदर्शन न्यूज द्वारा फैलाई गई एक गलत खबर शेयर की थी। निहंग सिखों को खालिस्तानी बताकर बस पर हमले का पुराना वीडियो इस पेज ने शेयर किया था। इस पर ऑल्ट न्यूज की फैक्ट चेक रिपोर्ट देखी जा सकती है। यानी ये एक राइट विंग संगठन है जो शुरुआत से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी और आरएसएस का समर्थन करता आया है। भारतीय मीडिया ने हिंदू फोरम कनाडा के बारे में ये सारी जानकारियां अपने दर्शकों को नहीं दिखाई। अब एक नजर डाल लेते हैं कनाडा को मिल रही वैक्सीन्स पर। भारतीय सरकार ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर लिखा है कि वो कनाडा को कोविशील्ड वैक्सीन की 5,00,000 डोजेस भेज रही है। चूंकि ये कमर्शियल सप्लाई में सूचीबद्ध है, इसलिए कनाडा इसके लिए रकम अदा कर रहा होगा। इसके अलावा कनाडा सरकार ने पब्लिक डोमेन में जो जानकारी जारी की है उसके अनुसार कनाडा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इसके कनाडाई पार्टनर वेरिटी फार्मा द्वारा निर्मित वैक्सीन्स की 20,00,000 डोज खरीदेगा। यानी कनाडा ये 20,00,000 मेड इन इंडिया डोज खरीद रहा है। वहीं बाकी सप्लायर्स पर अगर नजर डालें तो कनाडा कहीं ज्यादा संख्या में वैक्सीन्स खरीद रहा है। मसलन एस्ट्राजेनेका 2 करोड़ डोज, मॉडर्ना से 4,40,00,000 डोज, जॉनसन एंड जॉनसन से 3,80,00,000 डोज। यानी इंडिया से जो उसे वैक्सीन्स मिल रही हैं उनकी संख्या काफी कम है और उस कम संख्या के लिए भी कनाडा रकम अदा कर रहा है। कुल मिलाकर भारतीय मीडिया के बड़े वर्ग ने टोरंटो में पीएम मोदी को धन्यवाद कहते हुए होर्डिंग्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी। ये होर्डिंग्स वहां के हिंदू फोरम नाम की एक संस्था ने लगाए थे, न कि कनाडा सरकार ने।